नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे, आप लोगों ने पूछा है कि दीदी सावन में शिवरात्रि का व्रत कब करनी है, शिवरात्रि के व्रत के दिन हमें क्या क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए और ये व्रत जो है क्यों रखनी चाहिए। बता दूं आपको, क्योंकि ये व्रत बड़ा ही अधिक शक्तिशाली व्रत है शिवरात्रि का, और महीने में दो शिवरात्रि व्रत आती है, तो हमें कौन सा व्रत रखना चाहिए, शुक्ल पक्ष का या कृष्ण पक्ष का, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सारी बातों को अच्छे से समझ लीजिए। तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि शिवरात्रि का व्रत, अगर आप पति से संबंधित उनके हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, अगर आप मतलब कुछ चाहती हैं कि हमारे पति बीमार रहते हैं, बहुत सारे लोगों का देखिए कमेंट्स भी आते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं कि हमारे पति कभी स्वस्थ नहीं रहते, दीदी बीमार रहते हैं, हॉस्पिटलाइज रहते हैं, क्या करें, कोई उपाय बताइए। तो देखिए, अगर आपको अपने पति के हेल्थ के लेकर, स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, तो आपको कौन सा व्रत करनी चाहिए, शिवरात्रि का। बहुत सारे लोग प्रदोष का करते हैं, बहुत सारे लोग 16 सोमवार करते हैं, लेकिन शिवरात्रि का व्रत ना पति के लिए ही माना जाता है। ऐसे तो सभी शिव जी का ही व्रत है, आप जो चाहे रख सकती हैं, लेकिन शिवरात्रि का व्रत आप चाहे तो उठा सकती हैं। लेकिन शिवरात्रि का व्रत इस साल 2023 में अभी आप लोग सावन से ना उठाएं, आप लोग महाशिवरात्रि जब आएगा ना, महाशिवरात्रि का व्रत से ही हमें शिवरात्रि व्रत उठानी चाहिए। जो पहली बार उठाएंगे उनके लिए बता दूं, महाशिवरात्रि 2024 में आप लोग उठाइएगा, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। लेकिन जो परमानेंट करते हैं हर महीने का, हर मास का, वो कब करेंगे तो वो भी मैं बता देती हूँ। तो देखिए, शिवरात्रि का व्रत शुक्ल पक्ष का और कृष्ण पक्ष का दो व्रत आते हैं, तो दोनों बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन शिवरात्रि ही एक ऐसा व्रत है कि कृष्ण पक्ष का ही करना अति फलदायक माना जाता है, बहुत अधिक लाभकारी होता है। तो आप शिवरात्रि का व्रत, कृष्ण पक्ष का शिवरात्रि इस साल 2023 में कब पड़ा है, सावन में 15 जुलाई को, ठीक है, दिन क्या है, शनिवार। तो 15 जुलाई को आपको व्रत रखनी है, और व्रत के दिन आपको क्या करनी है मालूम है, शिव जी के जो ही पसंदीदा चीजें हैं उनको चढ़ाकर पूजा करनी है, दिन भर भगवान का मंत्र हमें नमः शिवाय बोलते रहनी है, चुगली किसी का बुराई वगैरह ना करें, दिन में सोए नहीं, कोशिश करें, अगर आपको का हेल्थ उस प्रकार का नहीं है तो कोशिश करें कि सोए ना, टीवी वगैरह देख सकते हैं, और आप जो है किसी भिक्षुक भिखारी का आप लोग अपमान ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और पति को लाकर ना, ऐसे तो मैं सावन की वीडियो में बता चुकी हूँ, आप लोग चंदन पक्का पति के सिर पर लगा दीजिएगा, माथे पर, कि जो ही उनके दुख बीमारी कष्ट है भगवान दूर करें, भगवान उनको सही सलामत रखें। तो इसलिए शिवरात्रि का व्रत हर सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। किसी भी प्रकार के कारण से आप चिंतित हैं तो शिवरात्रि का व्रत जरूर रखिए, ये भी हो गया। और उस दिन आप जो है महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं शिव जी की पूजा करने के लिए। लड़कियां चाहे तो उपाय कर सकती हैं शादी के दिन, क्योंकि सावन का शिवरात्रि है, आपको मालूम है महाशिवरात्रि जो शिव जी को, मतलब सावन का महीना तो ऐसे पावन और पवित्र महीना है ही, जो कि शिव जी को बहुत अधिक प्रिय महीना है, और शिव भक्तों के लिए तो ये मतलब इससे सुंदर और शुभ मौका और अवसर तो उनको मिल ही नहीं सकता। तो आप व्रत रखते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र, हर वीडियोज में देखे मैं बताती हूँ, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, हर महिलाएं चाहे तो शिव चालीसा का पाठ, आप महामृत्युंजय मंत्र का जैसे जाप 108 बार, 21 बार, 11 बार, 51 बार आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। और शिव जी का व्रत जो है फलाहार करके किया जाता है, ऐसा नहीं है कि हम जो है मतलब पानी नहीं पीते, निर्जला और निराहार नहीं है, आप लोग आराम से पी सकते हैं, ठीक है। और अगली चीज क्या है कि अगर मान लीजिए आपका हेल्थ उस प्रकार से नहीं है तो एक समय भोजन भी कर सकते हैं, लेकिन भोजन ना करें तो ज्यादा बेहतर है, अगर करना भी है तो सेंधा नमक ना खाएं, मीठा भोजन का सेवन करें, महिलाएं इस बात का ध्यान रख सकती हैं। और आप लोग पूछे हैं कि दीदी सावन में क्या मंगलसूत्र वगैरह खरीद सकते हैं, तो जी
आप शिवरात्रि के दिन भी भगवान को चढ़ाकर, माता को चढ़ाकर पति के हाथों से मंगलसूत्र पहन सकती हैं। सिंदूरा सिनोरा आप लोग बोले हैं कि दीदी क्या खरीद सकते हैं सावन में, बिल्कुल खरीद कर माता को चढ़ा दीजिएगा। सावन सोमवार जो व्रत पड़ेंगे या शिवरात्रि के दिन भी आप लोग ये कार्य कर सकते हैं। और सिंदूरा अगर नया खरीदती हैं तब पति के हाथों से लगवा लीजिएगा, ऐसे सिंदूर पति के हाथों से नहीं लगवानी चाहिए जो कि शुभ नहीं माना जाता। मैं हमेशा बताती हूँ तो भी आप लोग का देखिए कमेंट्स आता है तो रिप्लाई करना पड़ता है। तो सावन में आप लोग मंगलसूत्र भी खरीद सकते हैं और शिवरात्रि के दिन चढ़ाकर पहन सकते हैं, और आप सिंदूरा भी खरीद कर सावन के सोमवार व्रत के दिन भी पहन सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। और शिवरात्रि तो मतलब अपने में सर्वश्रेष्ठ है ही, तो ये सभी कार्य आपको करना है। और आप चाहे तो सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर ले, फलाहार कर ले। और ये आप मान लीजिए आप बाहर जाते हैं, कुछ कार्य करती हैं, आने में देरी होती है, तो आप रात को भी फल फलाहार कर सकते हैं, मीठा भोजन कर सकती हैं। सारी बातें क्लियर हो गई, तो यही शिवरात्रि के नियम विधि थी। और शिव जी की पूजा कीजिएगा तो नंदी जी की पूजा जरूर कीजिएगा, जो ही मनोकामना है नंदी जी के कानों में बोलकर ही आइएगा, और अच्छे से सज संवर कर हमेशा शिव जी की पूजा करनी चाहिए। और पति को जरूर आकर मंदिर से चंदन तिलक लगाइए, शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसाद कभी उनको न दे। सारी बातें क्लियर हो गई। और गठबंधन भी जो सावन के सोमवार व्रत में नहीं कर पा रहे हैं वो शिवरात्रि के दिन लड़कियां भी कर सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आप लोगों ने मांगा हुआ था कि दीदी शिवरात्रि के बारे में बताइएगा और कब पड़ रहा है, तो 15 जुलाई को पड़ रहा है सावन का शिवरात्रि, जिसको त्रयोदशी के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।